Hello friends, good evening. I am Amitabh Rajput, welcomes you in Ayushman classes. Friends, ये KBS PGT Mathematics December 2017 जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं. तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग 100 से लेकर 112 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं. आज हम कुछ और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताएंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 113 है और बुकलेट कोड ई का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए. इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आई एक्स आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम्स आयोटा प्लस वन इंटू एक्स प्लस ट्वाइस माइनस आयोटा इज इक्वल टू जीरो इज टू माइनस आयोटा देन अदर रूट इज व्हाट. ठीक है, इस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका एक रूट है ट्वाइस माइनस आयोटा, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं. तो सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा. मींस इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ठीक है, जो इमेजिनरी रूट्स होता है वो पेयर में आता है. इमेजिनरी रूट्स एंड इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ठीक है, तो एक रूट इन्होंने दे दिया है तो निश्चित रूप से जो दूसरा रूट होगा इसका वो कुछ किस टाइप का होगा, x प्लस आयोटा टाइप का होगा, है ना. हमने सपोज कर लिया कि इसका दूसरा रूट क्या है, x प्लस आई वाई. ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो तो इसका सम ऑफ द रूट्स जो का फॉर्मूला है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए, है ना. सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो देखिए एक रूट इन्होंने क्या दे दिया, ट्वाइस माइनस आई, और दूसरा रूट हमने सपोज कर लिया एक्स प्लस आई वाई. तो रूट्स का सम जो होगा वो कितना होगा, माइनस बी बाई ए. तो देखिए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस टू टाइम्स आई प्लस वन. तो माइनस बी बाई ए कितना होगा, टू टाइम्स आई प्लस वन डिवाइडेड बाई ए, कितना आई. अब अगर इसमें हम ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर कितना आने वाला, टू टाइम्स आई स्क्वायर प्लस आई, और नीचे कितना आने वाला आई स्क्वायर. और आपको मालूम है आई स्क्वायर की आई कितना होता है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस वन. तो आई आयोटा स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन, है ना. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है. तो कितना हुआ ये अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो टू टाइम्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, और प्लस कितना आई, और आई स्क्वायर फिर से कितना होगा, माइनस वन. तो इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो कितना आएगा, माइनस टू और प्लस माइनस टू प्लस टू आई, टू आयोटा और डिवाइडेड बाई व्हाट, माइनस वन. माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई ये गायब करें इसको तो कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, टू माइनस टू आई. ठीक है, आइए इधर देखते हैं क्या मिला हमको. इधर हमको मिला इसका रियल पार्ट कौन है, टू और एक्स रियल पार्ट है, इसको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं. और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, आई वाई और माइनस आई, आई कॉमन कर लिया तो कितना हो गया, वाई माइनस वन. तो देखिए लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, दोनों इक्वल हैं. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, तो उनका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो. तो अगर इसको हम इक्वेट करें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, रियल पार्ट को इक्वेट करें तो ट्वाइस प्लस एक्स इज इक्वल टू टू, और दूसरा हमें क्या मिलने वाला है, वाई माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू. तो यहाँ से टू टू कैंसिल हुआ और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन. तो जो हमारा दूसरा रूट है x प्लस आई वाई वो कितना हो गया, x तो जीरो हो गया और y कितना, माइनस वन. रखें तो कितना गया, माइनस आई. मींस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर ऑड इंटीजर्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए ट्वाइस ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी इनटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर व्हाट, रेशनल इरेशनल नॉन रियल एंड इक्वल. ठीक है, तो देखिए क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स का नेचर होता है ना वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है. तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना d इज इक्वल टू वो कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू है ट्वाइस a और b की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस a प्लस बी. तो ट्वाइस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर टाइम्स a कितना हो गया, ट्वाइस a, और c कितना हो गया, b हो गया. ठीक है, तो देखिए कितना मिलता है हमें, फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी माइनस एट ए बी. ये मिला हमें 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 4ab जो कि 4 जो कि 2a माइनस b का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ये तो पॉजिटिव आ गया
मीन्स अगर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई टू ए। तो देखिए रूट्स जो होते हैं, अगर हम ऑप्शंस को चेक करने जाएं तो जैसे यहाँ पे लिखा इरेशनल रूट, इरेशनल रूट कब आते हैं जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन डी देखिए क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है नॉन रियल, नॉन रियल कब आ जाता है जब डी निगेटिव आता है, डी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन का है रूट्स इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो तो है नहीं, तो इसलिए ये होगा नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके रूट्स कैसे आएंगे, रेशनल आएंगे, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी क्वांटिटी, इसलिए इसके रूट्स रेशनल आएंगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, रेशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ एंड ओनली इफ द डिनोमिनेटर हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन व्हाट। ये ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं, ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना रियल नंबर्स, वहां का एकदम डायरेक्ट थ्योरम से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई भी रेशनल नंबर जो है वो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो वो लोएस्ट फॉर्म है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे 1/2 लिखा हुआ है ना, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर सिर्फ 2 है, तो निश्चित रूप से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा, जो कि कितना है 0.5। जैसे मैं दूसरा मैं नंबर ले लेता हूं 1/10 ले लिया, इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ और 2 और 5 है, इसलिए ये भी क्या होगा टर्मिनेट करेगा डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन इसके अलावा मैं ले लूं कुछ भी, अगर जैसे 15 मैंने ले लिया है ना, 1/3 × 5 है, इसका जो जो डिनोमिनेटर इसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे ना कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 2 और 5, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।